दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भाजपा के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है, जिसमें वीडियो प्रस्तुतिकरण के साथ बैठक की शुरुआत होगी और दूसरा प्रस्ताव रखा जाएगा। आपको बता दें, बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की भी बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक में नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और केंद्र और राज्य सरकारों को लेकर चल रही योजनाओं को चर्चा होगी। अधिवेशन का समापन पीएम मोदी के भाषण के साथ होगा। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के निधन पर एक मिनट का मौन रखा। अधिवेशन के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर मोदी का स्वागत किया। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा, हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाना है। भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का भी प्रचार करना होगा। उधर जेपी नड्डा ने कहा, मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है। भाजपा की 17 प्रदेशों में सरकार है। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता है, इस बार बंगाल में भी जीतेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी गारंटी पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमोदित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा उठाया। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर से 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी जुटेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।